नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, हमारे साथ बातचीत में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि जिन जिलों में लॉकडाउन का पालन अनुशासित रूप से किया गया वहां कोरोना नहीं पहुंच पाया। इसमें उन्होंने अपने गृह जिले नरसिंहपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हमारे जिले के जो लोग जिले के बाहर रह रहे हैं वे भी जिले में नहीं आए। प्रकृति, संस्कृति और शाकाहार जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी हैं। सोनी जी, मेरा सवाल ये कोरोना से रिलेटेड बात है कि कोरोना जो वैश्विक महामारी चल रही है, निरंतर अभी मध्य प्रदेश में आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं जी, भोपाल और इंदौर खास तौर से देश के टॉप 20 शहरों में शुमार हो गया है, इससे कैसे बाहर निकल पाएंगे सर अपन? ये क्या है कि वैसे तो केंद्रीय सरकार ने माने बड़े प्रारंभिक समय पे उचित समय पे ठीक निर्णय ले लिया था जी। यदि अपना ये तबलीगियों का तांडव नहीं होता, इनकी नासमझी नहीं होती, तो ये भोपाल और आपका इंदौर भी बच जाता। कुछ माने आपका उज्जैन भी इसमें शामिल है जी। और दूसरा, अपने इसमें ये अपन ने अपने समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में कभी ये वायरस देखा नहीं, ऐसा अनुभव किसी को नहीं है। इसमें केवल हमें सावधानी की जरूरत थी। क्या है, अभी दवा तो आज तक नहीं आई अपने पास। सावधानी के अलावा इसमें अभी कोई रास्ता नहीं है। इसका पालन न करने का परिणाम भोग रहा है इंदौर और भोपाल। बाकी जिन जिन जिलों ने इसकी चिंता कर ली है वो सुखी है। हमारा नरसिंहपुर जिला है जहाँ एक भी मरीज नहीं है अभी जानकारी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी अगर समय से बंद कर दी जाती तो भी शायद कुछ नतीजा और हो सकता था। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद करने में बहुत समय लगा दिया। उसमें भी अपना ये कहना है कि अपन को तजुर्बा पहले कभी था नहीं, ऐसा अपन ने किया नहीं कभी। लेकिन समय पे वो भी अपने हमारे हिसाब से और थोड़े, आपका कहना सही है कि और थोड़ी पहले, लेकिन इसका कभी अनुभव और तजुर्बा अपन को था नहीं। फिर भी और देशों की तुलना में अपन ने बहुत समय पे इसका निर्णय लिया है। आपने अपने गृह जिले की बात की नरसिंहपुर की, कि वहाँ कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है, इसके लिए तो मैं चलिए बधाई देता हूँ आपको और ईश्वर का साधुवाद है। जी, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छी तरह से हुआ है आपके यहाँ इसलिए नहीं हुआ, या जमातियों की बात करें वो वहाँ नहीं आए, या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से कोई नहीं आया इसलिए ऐसा रहा, क्या कारण रहा? एक तो हमारी कंसल्टिंग बहुत बाहर के विदेश के लोगों से, धंधे वाले लोगों से, वहाँ के लोगों से थोड़ी कम है। कनेक्टिविटी वैसे आपको बता दें कि ये पूरे हिंदुस्तान का नायाब जिला है। हमने कभी युद्ध नहीं देखा। हमने कभी दंगा नहीं देखा। हमने कभी दुर्भिक्ष नहीं देखा। हमारे जिले ने कभी कोई अभाव और दुख कष्ट नहीं झेले, इसलिए हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ दिल दिमाग है। और कभी संविधान निर्मात्री सभा के हमारे सदस्य यहाँ के सांसद रहे दो बार, तीन बार, स्वर्गीय हरिविष्णु कामत जी, उनने हमेशा लोक शिक्षण इतना किया इस क्षेत्र का, एवरेज कॉन्सिस्टेंस हमारे जिले की हिंदुस्तान से हट के है। लोगों में कानून का आदर करने की आदत है, लोगों में संयम से रहने की आदत है। बहुत माने फर्टाइल ब्रेन का जिला है ये, फर्टाइल और बहुत मुलायम दिल का जिला है ये। और कानून का पालन करने के कारण हम आपके माध्यम से अपने जिले के सारे लोगों को, चेतनाशील लोगों को हम बधाई अभिनंदन करना चाहते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं। लॉकडाउन जिलों में भी चिंता करने से तो बच जाते लोग। सोनी जी,
हमने खुद खबर दी बाहर के लोगों की। जी जी जी। हमने अपने बच्चों को भी अपने बाहर रखा, घर में नहीं रखा। इंदौर से जो हमारे बच्चे आए, कोटा से जो हमारे बच्चे आए, जो बाहर के लोग आए उनका हमने प्रकाशन दिया सरकार ने। अनुशासन का बहुत कड़ाई से पालन किया आपके जिले के लोगों ने। आत्मसंयम का परिणाम है। लॉकडाउन के चलते कई तरह की कठिनाई लोगों को आ रही है, लेकिन इसमें एक सुखद अनुभूति ये है कि प्रकृति का नया निर्माण हो रहा है। प्रदूषण रहित हमारे जितने भी जल क्षेत्र हैं, नदी नाले तालाब, सब प्रदूषण रहित हो रहे हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारी जीवन की जो स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल बदली है दुनिया की तुलना में। आप देखो, अपने आदिवासी बेल्टों में कहीं नहीं है, अपने धार्मिक क्षेत्रों में कहीं नहीं है, साधु संतों में आश्रमों में कहीं नहीं है। जो प्रकृति के जितने नजदीक है वो ज्यादा सुखी है, और जो प्रकृति के विरुद्ध गए हैं सारे लोग, एसी के लोग, सुविधाओं के लोग, इनमें प्रतिरोधक क्षमता कम है। वैसे तो हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारे यहाँ विवाह की भी जो कुंडली विज्ञान है, इसके कारण हमारे जातक में दुनिया के और लोगों की तुलना में प्रतिरोधक क्षमता हमारी नस्ल में ज्यादा ही है। इसमें शाकाहार और मांसाहार का भी कुछ योगदान हो सकता है क्या? आप देख रहे हैं, आप विवरण पढ़ लो, जो अभी रिसर्च आई है, सारे विवरण आए हैं उसी आधार पर। यस, शाकाहारी लोगों में ये रोग कम माने प्रभावी रहा है। इसमें शाकाहार की वजह से विश्व हेल्थ संगठन ने भी कहा है, एक शाकाहारी लोगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव, इसका असर कम हुआ। बहुत धन्यवाद सोनी जी हमसे चर्चा करने के लिए, हमें समय देने के लिए। जी जी जी, आपको भी भैया बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम इस मुहिम में लगे हैं। जी जी, लोगों में चेतना पैदा कर रहे हैं। जी, हमारा तो काम है बात ये, अच्छा बात है, लोगों के बीच में आप लोग जनप्रतिनिधियों की बात पहुंचाएं। धन्यवाद, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।